अपराधियों का तांडव, दहशत में लोग बेलगाम हुए अपराधी, पुलिस का नहीं दिख रहा डर। बंदूक के बल पर दिन दहाड़े अपराध, ना कोई डर ना किसी में खौफ। अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही। ताजा मामला बेगूसराय का है, जहां बदमाशों के इरादे इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस को कोई भनक तक नहीं लग पा रही है। बेगूसराय में हत्या, बलात्कार, अपहरण और डकैती जैसे संगीन अपराध मानो आम बात बनती जा रही है। अपराधी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला एक डॉक्टर से जुड़ा है। अपराधियों ने रंगदारी के लिए जिले के एक चर्चित डॉक्टर के निर्माणाधीन मकान में तोड़फोड़ और फायरिंग की है। हमारे पे जो है वो जानलेवा हमला किया है और हम लोग काफी डरे सहमे हुए हैं और हम पुलिस प्रोटेक्शन का डिमांड करते हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के हेमरा चौक के पास की है। घटना के बारे में पीड़ित शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि बीते 11 जुलाई को बदमाशों ने रंगदारी की मांग के साथ साथ धमकी दी और अगले ही दिन 12 जुलाई को दीवार तोड़कर उनके घर पर फायरिंग कर दहशत फैला दिया। हम लोग वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं अपने ज़मीन में, तो परसों की घटना है जब हमारी वाइफ वहाँ पे थी और हमारा सब कंपाउंडर वगैरह था, तो उस टाइम जो है वो लोग धमकी देके और दो फायरिंग करके परसों वो गए, वो लोग चला गया। तो हम लोग जो है अपने स्तर से पुलिस इन्फॉर्मेशन भी दिया, लिखित में भी शिकायत किया, तो थाने वाले जो है एक्टिव भी हुए। फिर ये लोग कल आके 4-5 असामाजिक तत्व आके हमारा बाउंड्री को तोड़ने लगे और फिर जो है रंगदारी टैक्स का डिमांड करने लगे, इस तरह से करके फिर वो फायरिंग करने लगे। जब भी हम पहुंचे उसी वक्त हमारे पे फायरिंग वो कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हथियार के साथ मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले में पीड़ित डॉक्टर किसी अनहोनी के भय से दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। जीवेश तरुण, बेगूसराय।